चित्त वग्गो धम्मपद गाथा नंबर 34, 33 और 34 नंबर की जो गाथा है उसकी जो कथा है वो एक ही है और इसमें गाथाएं दो हैं। गाथा इस प्रकार है, वारिजो वे थले खित्तो ओक मोकत उभत्तो परिफंदति दंग चित्तं मारधेयं पहातवे। वारी जो वारी माने होता है पानी, वारी तो वे थले खित्तो और वारी जो का मतलब है कमल या मछली या जो पैदा होता है। वारिज का मतलब है जिसमें जेल लग जाता है, इसका मतलब वो पानी हो जाता है, पैदा पानी में, यानी वारी जो पानी में जो पैदा हुआ है, यहां जिक्र जो आता है वो मछली का आता है। वारी जो वे थले खित्तो, जैसे पानी वे का मतलब यहां ही भी है और जैसा भी है, जैसे पानी में जो पैदा हुई मछली है। थले खित्तो, खित्तो का मतलब है फेंका हुआ और थले माने होता है जमीन। आपने कहा थले रख दे, आपने पंजाब में बहुत सुना होगा, पंजाब में कहते हैं थले रख दे इसको, कोई सामान हो तो कहते हैं थले रख दे भाई। तो ये थले का मतलब जमीन है, क्योंकि सारी भाषाएं जितनी भी हैं वो इधर उधर फैल गई हैं और सब पूरे देश में पाली चलती थी और देश के बाहर भी। जो आज की समय है अशोक के समय लगभग पाली बहुत जबरदस्त इसका उत्थान था, पाली बाद में हिंदी, पाली बाद में गुजराती, पाली बाद में मराठी, पाली बाद में पंजाबी गुरमुखी, ये सब पाली के ही रूप हैं, पाली ही हिंदी है। तो यह थले का मतलब है जमीन। वारिजो वे थले खित्तो, खित्तो माने फेंकना। आपने देखा होगा खित्तड़ जो आते हैं, खित्तड़ कहते हैं जिसको हम फेंकते हैं, जो खित्तड़ होते हैं, खित्तड़ आपने सुना होगा बच्चे खेलते हैं, खित्तड़ खेलते हैं, कई बार गित्तल भी बोलते हैं, खित्तड़ भी बोलते हैं। तो खित्ते माने, खित्तो माने फेंकना, यानी मछली जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ओक मोकत उभतो, ओक माने पानी होता है, वारी माने भी पानी होता है, ओक माने भी, ओक अगर लगा के जैसे कहते ना ओक लगा के पानी पी लिया, इसको ओक बोलते हैं। तो ओक इसको बोलते हैं मगर ओक पानी को बोलते हैं, बेसिकली पानी से इसका नाम ओक पड़ा है। पहले सब लोग पानी ऐसे ही पिया करते थे, तो ओक लगाना या ओक पीना यानी पानी को पीना या पानी के लिए ऐसा बनाना, वो एक ही बात दोनों में मानी जाती थी। तो ओक माने पानी। ओक मोकत यानी कि मोकत माने होता है मुक्ति, यानी मोक यानी छुड़ाना, यानी ओक मोकत यानी पानी से मुक्त कर दिया किसको। उभतो, उभतो का मतलब खींच लिया वापिस, यानी मछली को पानी से वापिस खींच लिया। वारी जो वे थले खित्तो ओक मोकत उभतो, जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली, यहां आता है जैसे जल से निकालकर पानी से निकालकर फेंकी गई मछली, और इसमें साइलेंट है, फड़फड़ाती है यानी फन दनन करती है। आगे के सेंटेंस में कहता है परिफंदति दंग चित्तंग, यानी कि मछली भी फड़फड़ा रही है। परिफंदत माने होता है फंद, माने होता है धड़कना या तड़फड़ाना या फड़फड़ाना। परिफंद माने जैसे पूरी तरह से फड़फड़ाती है या धड़कती है। परिफंदति दंग चित्तंग यानी कि जो चित्त है, मन है, वो भी ऐसे ही फड़फड़ाता है मछली की तरह। किस लिए? मारधेयं पहात वे, मारधेयं का मतलब है मार के अधिकार से, और पहात वे का मतलब है पूरी तरह से हाथ। हाथ मतलब होता है त्यागना, यहां हाथ माने जो होता है वो त्याज्य यानी त्यागना होता है, गिव अप होता है यानी पूरी तरह से निकल जाऊं, उसको यहां पाली में हाथ बोलते हैं। और पहात वे का मतलब है पै माने पूरी तरह से, हाथ माने त्यागना और वे माने इसकी क्रिया का आता है साथ में, तो वे माने लिए। तो इसका मतलब मार के फंदे से, मार के अधिकार से निकलने के लिए चित्त इसी प्रकार फड़फड़ाता है। इसको अगर हम पूरी तरह से सेंटेंस में सिंपल तरीके से बोलेंगे तो ये बहुत सरल हो जाता है। जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त फड़फड़ाता है। यानी कि आपने मछली देखी होगी, अगर वो जल से बाहर निकाल के फेंक दी जाए तो कैसे फड़फड़ाती है वो जल में जाने के लिए, वैसे ही जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, वो मार के फंदे से निकलने के लिए फड़फड़ाता है। अब मार क्या है?
मार को जानने के लिए, क्योंकि मार बार बार आएगा और मार बहुत इंपॉर्टेंट है। मार बेसिकली पूरे पाली साहित्य का आधा हिस्सा है, क्योंकि आधा आप मार से लड़ेंगे, आधा मार को देखेंगे। तो मार, क्योंकि आपका जो फाइट है पूरे पूरे पाली साहित्य में, जो भगवान बुद्ध ने जिसके विरुद्ध काम किया है, जिससे वो लड़ रहे हैं, जिससे सबको सिखा रहे हैं कि इसे लड़ना है, वो चीज है क्या? वो चीज मार है। बेसिकली मार को मार रहे हैं, मार उसका नाम पड़ा हुआ है। मार एक बहुत बेसिक फंडा है, बहुत फंडामेंटल चीज है। मार सभी के अंदर होती है और मार के कारण ही दुख आता है और मार के कारण ही बीमारियां आती हैं। ये मार कैसे काम करती है, इसका एक वीडियो टीम 22 पे मार के नाम से पड़ा हुआ है, मैं यहां साथ में अटैच कर रहा हूं। आप मार का वीडियो जरूर देखें, चाहे कोई और वीडियो देखें ना देखें, क्योंकि मार को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे दुख आते हैं, दुख कैसे काम करता है, कितने प्रकार का दुख होता है और दुखों को निकालने के लिए क्या काम है। जिसके शरीर से मार निकल जाती है, यानी दुख निकल जाता है, निगेटिव चीजें निकल जाती हैं, सुख तो उसके पास ऑलरेडी पहले से होता ही है, यानी सुख के ऊपर मार कवर कर लेती है, इसलिए दुख आता है। अगर मार निकल जाए तो फिर सुख ही सुख चारों तरफ है। ये गाथा बहुत अच्छी गाथा है चित्तवक की 34 यानी 34 नंबर की। धन्यवाद।